सस्ती शराब दुकान लेना चाहते हैं शराब ठेकेदार, 1 अरब की जगह 69 लाख में मांगी दुकान। चैत्र नवरात्र आज से हुई शुरू, देवी मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। झूलेलाल जयंती पर सिंधी समाज ने निकाली विशाल रैली, जगह जगह हुआ स्वागत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी डॉक्टर को श्रद्धांजलि, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग। और फूड बैटल रेस्टोरेंट का हुआ भव्य शुभारंभ, कोकोनट क्रश के डिश आई लोगों को पसंद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज जिले के शेष रह गए 10 मदिरा समूहों में कुल 24 टेंडर प्राप्त हुए। इन 10 मदिरा समूहों का वर्ष 2022-23 के लिए आरक्षित मूल्य 1,11,66,67,169 रुपए था, जिसके एवज में ठेकेदारों से 69,35,217 रुपए के ऑफर प्राप्त हुए। कुल प्राप्त 24 टेंडर में से 10 उच्चतम टेंडरों का चयन किया गया। सभी टेंडर आरक्षित मूल्य से कम के हैं, जिन पर निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। चैत्र नवरात्र का पर्व शनिवार से प्रारंभ हो गया है। नवरात्र के पहले दिन से ही शहर के देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया, जहां पर भक्त माता रानी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। स्थानीय सृष्टि माता मंदिर, बड़ी माता मंदिर, छोटी माता मंदिर, कलेक्ट्रेट बंगले के पास स्थित देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी भक्तों की दिन भर भीड़ रही। लो ये रख लो। आज चैत्र नवरात्रा का प्रथम दिन है और चैत्र नवरात्रा का पूरे 1 महीने का महत्व रहता है। हर मंगलवार शनिवार को 1 महीने का पूरा जत्रा पड़ता है गाँव के लोग आते जाते हैं। और कोरोना काल के 2 वर्ष जीतने के बाद पहली बार भक्तों के मंदिर में भीड़ हुई और माता रानी भक्तों से प्रार्थना की वजह से उत्साह के साथ त्यौहार मनाए, नवरात्रा का पूर्व मनाया गया। चेट्री चंद्र भगवान झूलेलाल की जयंती शनिवार को सिंधी समाज के द्वारा भव्य रूप से मनाई गई। इस मौके पर झूलेलाल मंदिर से सिंधी समाज के द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो मोहन नगर होते हुए शहर के मुख्य बाजारों से सिंधी समाज के भवन में पहुंची। इस मौके पर भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा का जगह जगह पर सिंधी समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जहाँ पर शरबत, छाछ, पानी का भी वितरण हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डेंटल मेडिकल एसोसिएशन और एमआर एसोसिएशन के द्वारा राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में दोषी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज किया गया और डॉक्टर अर्चना को श्रद्धांजलि दी गई। मरीज की हत्या डॉक्टर के द्वारा कर दी गई, जो कि ऐसा संभव नहीं है। कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसके कारण की मृत्यु हो जाती है और इसी डर के मारे कि उनके ऊपर 302 धारा लगी है, मैडम जो गायनेकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर अर्चना शर्मा के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। हम लोग सभी ये मांग करते हैं कि वहाँ के नेता एवं पुलिस अधिकारी जिनके ऊपर की 302 धारा लगाई गई है, जिनके द्वारा लगाई गई है, उनके ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाए। शहर में आज फूड बैटल रेस्टोरेंट की शनिवार को ओपनिंग की गई। सिग्नेचर कॉलोनी के बाजू में फूड बैटल रेस्टोरेंट खोला गया है। फूड बैटल के संचालक हिमांशु विश्वकर्मा ने बताया कि रेस्टोरेंट में स्पेशल कोकोनट क्रश और साथ में कश्मीर यूनिटी कहवा स्पेशल व्यंजन है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई स्पेशल डिश बनाई जा रही है, जो कि छिंदवाड़ा शहर में और कहीं उपलब्ध नहीं है। हिंदू नववर्ष और रामनवमी को लेकर शहर में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जगह जगह साज सज्जा करते हुए छिंदवाड़ा को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार देर शाम मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा शहीद मेजर अमित ठेंगे चौक पर भगवा ध्वज लहराने के साथ आरती और पूजन पाठ किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे।
अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निदेशी एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग, तो आज ही ज्वाइन करें निदेशी एकेडमी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड क्षेत्र को मोबाइल एसोसिएशन और हिंदू उत्सव समिति के द्वारा भव्य रूप से सजाया गया है। शुक्रवार देर शाम यहां पर मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा DJ नाइट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पहले भगवान श्री रामचंद्र की महाआरती भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हिंदू नववर्ष के अवसर पर छापाखाना क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों के लोग ने क्षेत्रवासियों को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सेवा संकल्प समिति के द्वारा हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा और झूलेलाल जयंती के अवसर पर शिवाजी चौक ELC क्षेत्र में विशाल फलाहारी भंडारे का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया। सेवा संकल्प समिति द्वारा शिवाजी चौक पर आज गुड़ी पड़वा, हिंदू नववर्ष की शुरुआत एवं चेती चांद के उपलक्ष्य में फलाहारी का वितरण किया गया। यहाँ पर आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के इस महाप्रसाद का लाभ लिया और सेवा संकल्प समिति द्वारा आगे भी इस तरह के प्रयास किए जाते रहेंगे। शिवाजी मित्र मंडल के द्वारा चैत्र नवरात्र, हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा पर्व के अवसर पर शिवाजी चौक में राहगीरों को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर शिवाजी मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। विश्व स्वपरायणता दिवस के अवसर पर पुआमा में हम फाउंडेशन भारत के तत्वाधान में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा दिव्यांगों को वाटर कूलर की सौगात दी गई। कार्यक्रम में हम फाउंडेशन भारत के प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर, हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष मुकुल सोनी, महिला सहभागिता प्रमुख अमिता आशीष बरैया सहित हम फाउंडेशन भारत के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। ईश्वर का रूप है, निश्चित तौर पर सभी बच्चे ये ईश्वर के रूप है और मुझे लगता है कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, दिव्यांग साथी जो भी होते हैं, वो ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि से जन्म लेते हैं और उनके अंदर ईश्वर होता है, ईश्वर उनके नजदीक होता है। तो ऐसे हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इन बच्चों के किसी काम हम लोग आ सके। स्वर्गीय वैभव चांदेकर की स्मृति में इंदिरा प्रियदर्शनी खेल मैदान में T10 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहला मैच लक्ष्मीपति स्पोर्टिंग क्लब छिंदवाड़ा और कॉर्पोरेट क्लब के मध्य खेला गया। मैच 24 रनों से लक्ष्मीपति क्लब ने जीता। नो बॉल का इशारा एम्पायर का, 5 रन आते हुए टोटल बालाजी के खाते में। यह प्रतियोगिता जिले के समस्त क्रिकेट खिलाड़ियों, क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा हमारे भाई वैभव चांदेकर को एक श्रद्धांजलि स्वरूप हम इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और ये जो टूर्नामेंट है ये 30 तारीख से शुरू हुआ है और 10 तारीख को इसका समापन होगा, तो कुल 24 टीमों ने इसमें भाग लिया है।
छिंदवाड़ा के अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में चैत्र नूतन वर्ष अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्कूल प्रबंधन ने सभी को जलपात्रों का वितरण कर विक्रम संवत 2079 का मंगलमय स्वागत किया। इस अवसर पर MIA के चेयरमैन संजीव जैन, डायरेक्टर और सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, ब्रजेश महेश्वरी, कोऑर्डिनेटर रविशंकर माथुर, एडमिन विजेंद्र इंदुरकर ने शाला परिवार सहित सभी विद्यार्थियों को जलपात्र भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। गुलाबरा स्थित जय संतोषी माँ मंदिर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर 108 मनोकामना कलश की स्थापना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर संतोषी माता की पूजा अर्चना की। संतोषी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलेगा। खुले बिजली के तारों को व्यवस्थित करने की मांग को लेकर शनिवार के दिन सौसर वार्ड नंबर 3 और 4 के रहवासियों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली के तारों को व्यवस्थित करने और दुरुस्त करने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा नगर पालिका में जमकर नारेबाजी की गई। बाद में तहसीलदार मनोज चौरसिया और थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर की समझाइश के बाद धरना खत्म हुआ। अभी हमारी यही मांग है कि इनको तत्काल हमको करके देना चाहिए, नहीं तो इन्हें लिख के देना चाहिए कि हम ये 15 दिन में काम करते करते जब तक हमको लिख के देती नहीं हम अपना धरना छोड़ते नहीं। दमुआ थाना परिसर में आज नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गुलबाके की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी त्योहार नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, रमजान पर्व तथा अंबेडकर जयंती को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।